भैया ये राखी बांध दिए, पैसे तो है नहीं हमारे पास। लगने से आप जैसे 18-20 साल के लग रहे हो, पर आप और ये मेरे पीछे जो है 35 बूढ़ा बाप। स्वागत हो आपका एक नए व्लॉग में। तो आज के व्लॉग में जो है आपको थोड़ा पहाड़ी कल्चर के बारे में जो है बताया जाएगा, क्योंकि बताना चाहता हूँ कि आज तो आपको पहले मैं आपको विश कर लूँ हैप्पी रक्षाबंधन सभी को, और साथ ही साथ हमारे भाई के घर में जो है लक्ष्मी हुई है, तो आज उसका जो है नामकरण है। तो आपको आज बताया जाएगा कि पहाड़ों में नामकरण कैसे मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है और नाम कैसे रखा जाता है। तो बताते हैं आपको, लेके जाता हूँ नीचे वाले घर में। इस वाले घर में जाना हमने, जिस घर में सुखा रखे हैं कपड़े, ऊपर नीचे खाना खूना बनेगा, आज वहीं खाएंगे दावत जो है। तो आज रक्षाबंधन भी है, आज सभी जो है गांव की लड़कियां जो है हमारी बहनें हैं वो आज हमारे हाथों में जो राखी बांधेंगी। तो देखो क्या होता है, तो मतलब वो वाला वो भी आपको दिखाया जाएगा। तो अभी पता नहीं हो कब आएंगे, तो फिक्स टाइम नहीं पता अभी कि वो सभी बहनें कब आएंगी और कब नहीं। तो देखो क्या होता है। क्या बन रही है सूजी? सूजी हाँ, क्या फिर ढूंढना देख रहा है, सूजी बन रही है। तो ये सूजी बन रही है हमारे हलवाई। हाँ, ये हलवाई है हमारे, हैं फ्री वाले हलवाई। और ये आलू की सब्जी बनेगी आज, आप देख सकते हो कि हाँ मतलब नामकरण की जो है तैयारी चल रही है। सब्जी सब्जी सब कुछ आज क्या है, दावत है हमारे नीचे वाले घर में। किस चीज की दावत है? किस चीज़? नामकरण बता दो दिया, सारा कुछ बता दिया। रक्षाबंधन भी है, रक्षाबंधन भी है और साथ साथ नामकरण भी है। तो आपको मिलाते हैं जिनकी मतलब बेटी हो रखी है। और भैया कैसे हो, कैसा लग रहा है आपको आपके घर में लक्ष्मी हो रखी है? बढ़िया फील हो रहा है आज तो, वैसे खासकर आज जन्मदिन है मेरी लड़की का। जन्मदिन? हाँ, नामकरण जो नामकरण जन्मदिन जो पहला मतलब होता है। अच्छा, तो आपको आपकी एज कितनी है? लगने से आप जैसे 18-20 साल के लग रही हो। मेरी एज अभी 30 क्रॉस कर गई है। 30 क्रॉस कर गए हो तेरी तो। और ये मेरे पीछे जो है 35 बूढ़ा बापू। 33 मतलब ये लगते नहीं ना वैसे, ये 20-22 के लगते हैं। तो देखो भाई गाँव का यही सीन होता है। जो है ये है करेले मिर्च, और ये इसको क्या बोलते हैं भैया, पापड़ टाइप होते हैं। और यहाँ पर आलू के जो है पकवान कह रहे हैं, स्नैक्स बन रहे हैं। तो उसके पकोड़े बनाए जाएंगे, उसके बाद जो है तला जाएगा इन्हें। तो ये जो है भैया जो है सब कुछ तैयारी कर रहे हैं। पंडित जी जो आएंगे तो उन्हें क्या क्या चाहिए वो सब चीज जो है तैयारी कर रहे हैं उसकी। यहाँ और हमारी ताई जी बना रही हैं और साथ में भाभी। तो ताई जी ये बताइए कि 11 दिन जो है जो बच्चा होता है जब पैदा होता है तो उसको मतलब अलग क्यों रखा जाता है, माँ के साथ क्यों रखा जाता है? अच्छा, देवी देवता रहते हैं ये कहने का मतलब। अच्छा, इसलिए तो मतलब क्यों देवी देवता है तो वाला क्यों मतलब? तो सुनू ना। अच्छा अच्छा, पूड़ियाँ और भाभी कुछ कहना चाहते हो? ये माता जी हमारे सब शर्मा ही आते कैमरे के आगे, सबको शर्म लगती है। शर्म? हाँ, गांव के लोग हैं, शर्म लगती है। अच्छा, कहाँ कहाँ जाना है बताइए, पूरा गांव घूमना है क्या? आज तो पैसे इकट्ठे करोगे तुम। कितने दिए? कितने इसने कितने दिए तेरे को? 10 रुपए दिए, झूठ बोल रहा है। 50 रुपए दिए काम करने के लिए यहाँ पर, भैंसों को धुआं लगाने के लिए। और उस नीचे जो हमारे यहाँ पंडित जी जो है आ गए हैं, तो अभी आपको दिखाऊंगा कि नीचे क्या सीन है, क्या चल रहा है। तो दिखाते हैं अभी आपको। आइए आइए, राखी बांध दिए, पैसे तो है नहीं हमारे पास। तो अभी खा लिया हाथ, अभी देखना थोड़ी देर बाद ये रखड़ी यहाँ तक भर जाएगी। मेरे भी जो पैसे हैं पेंडिंग पड़े हैं। हाँ, मेरे भी है। तो मैं मेरे भी दोबारा मेरे पड़े हो जाए, इन फ्यूचर आपको जरूर दूंगा।
और मैं सबसे छोटा भाई हूँ, तो क्या पता बहने ही मुझे दे दे। तो भाई रक्षाबंधन है तो राखी नाम रख लिया पंडित जी ने। तो गाइज आपने देख लिया होगा कि हमारे जो है पहाड़ों में किस तरह से जो है नामकरण और रक्षाबंधन जो इस तरह से मनाया जाता है। तो आप देख सकते हो तो मेरे हाथों में पूरी तरह से भर गया। वैसे भी 4 बज रहे हैं, तो भाई हम मतलब काम कुम करके जो भी है थोड़ी मतलब तरह का जो भी हमने काम किया थोड़ा बहुत, उसके बाद जो है रेस्ट मारी। तो अभी मैं ये वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। तो ये व्लॉग जो आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो बस गाइस इतना ही आज की वीडियो में। तो ये है हमारा पहाड़ी कल्चर।